फर्स्ट में इस बैग में मिलेगा आपको ये वाला जो माइक है, और यहाँ पर देख सकते हो ये वाला जो जैग है, और इसके साथ एक एक्स्ट्रा भी मिलता है कैमरा का जो माइक है उसे टेस्ट कर रहे हैं। सो यहाँ पर देख सकते हो गाड़ी वाड़ी की आवाज़ हो रही है। बट सो गाइस यहाँ पर हम लोग अभी इसे सेटअप कर रहे हैं ट्राइपॉड के ऊपर, ऐसे सेटअप करते हैं एंड उसके बाद यहाँ पर जो मोबाइल है। व्हाट्स अप गाइस, सब बॉय नेशन बैक इन अनदर वीडियो। ओके सो गाइस, आज का जो ये वीडियो है ना, ये कोई मार्केट के ऊपर नहीं होने वाला है। मार्केट में जाने वाला हूँ बट कोई मार्केट रिव्यू नहीं होने वाला है। तो गाइस आज के वीडियो पे मैं ले जा रहा हूँ बोया बाई M1 माइक, जो कि मेरे फ़ोन के लिए है। बिकॉज गाइस बहुत सारे लोग कंप्लेन कर रहे थे कि भाई तुम्हारा वीडियो सही रहता है बट जो क्वालिटी है ना, ऑडियो क्वालिटी पब्लिक प्लेस में वो ज़्यादा से ज़्यादा ख़राब होती है। सो गाइस आज मैं जा रहा हूँ मेट्रो गली पे जो कैमरा बाजार दुकान है, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है बहुत सारे कैमराज के ऊपर। सो उस दुकान पे हम लोग जाएंगे, वहाँ पर जाके बोया बाई M1 माइक लेंगे। एंड गाइस देखते हैं कि आज का ब्लॉग कैसा होता है। और गाइस आज का ब्लॉग ना थोड़ा सा नॉर्मल है, बिकॉज बहुत सारे लोग मुझे कह रहे थे कि भाई थोड़ा सा नॉर्मल ब्लॉग्स बनाओ, थोड़ा सा कुछ और बनाओ मार्केट ब्लॉग के साथ साथ। सो मैंने सोचा कि आज बहुत अच्छा मौका है तो जाते हैं, देखते हैं क्या है। और अभी टाइम हो रहा है 10:35, तो सो मुझे यहाँ से 11 या फिर 11:30 के अंदर निकलना है, बिकॉज मुझे और काम है वो करके मुझे यहाँ से निकलना है मेट्रो गली के लिए। सो चलते हैं आज का ब्लॉग देखते हैं। और गाइस मैं इस ब्लॉग पे सिर्फ आपको सिर्फ माइक खरीद के नहीं दिखाऊंगा, माइक खरीद के उसका अनबॉक्सिंग करके प्लस उसका थोड़ा सा रिव्यू भी करूंगा कि जो लोग ब्लॉगर है उनके लिए ये माइक बेस्ट है या फिर नहीं है, मुझे नहीं पता, मैं फर्स्ट टाइम खरीद रहा हूँ। सो चलते हैं देखते हैं। तो गाइस अभी मैं पूरा रेडी होता हूँ एंड हम लोग जाएंगे फिर जो काम है हमें उसे निपटाने के बाद, उसके बाद सोएब और मैं जाएंगे मेट्रो गली पे, वहाँ पर जाके देखते हैं कि माइक कितना प्राइस के अंदर लेते हैं। ज़्यादातर मैंने बात करके रखा है बट देखते हैं कितना प्राइस के अंदर लेता है। सो जो भी हो लेट्स गो। ओके सो गाइस अभी हम लोग प्लैनेट की तरफ आ चुके हैं, बस से जस्ट उतरे। और गाइस बस में इतना ज़्यादा भीड़ था ना, मैंने सोचा था कि बस से कुछ शॉट लेंगे बट इतना ज़्यादा भीड़ था, तो मैंने क्या कर रहा हूँ कि सोएब यहाँ पर टाइम लैप्स निकल रहा है, तो मैं भी यहाँ पर एक थोड़ा सा टाइम लैप्स लूँगा। उसके बाद हम लोग यहाँ से स्ट्रेट जाएंगे मार्केट की तरफ एंड जाके देखते हैं कि हमें वो माइक कितने प्राइस के अंदर मिलता है। सो जो भी हो तुम लोग वीडियो पे बने रहो, अभी तुम लोग एक छोटा सा टाइम लैप्स शॉट देखो। मेट्रो गली आ चुके, सामने की गली से हमें जाना होगा। सो जाके देखते हैं एंड जो भी हो मैं वहाँ पर जाके मैं अपना जो माइक है उसे लेने वाला हूँ। सो देखते हैं कितना प्राइस के अंदर आता है एंड मैं टेस्ट करके भी दिखाऊंगा। सो लेट्स गो। एंड और क्या है ना गाइस, अभी और गाइस बहुत सारे लोग मुझे ये कह रहे थे कि भाई हम ब्लॉगिंग करते थे कौन सा माइक ले, तो गाइस मैं ले रहा हूँ, उसके बाद मैं टेस्ट करके तुम्हें दिखा दूंगा कि कैसा होगा। सो जो भी हो लेट्स गो। ओके सो गाइस आज का जो ये वाला वीडियो है ना, ये एक पूरा नॉर्मल वीडियो है, तो मुझे नहीं पता कि कैसा बन रहा है वीडियो, कैसा नहीं बन रहा है। सो तुम लोग वीडियो देखते रहो, मुझसे अगर कुछ गलती होता है तो तुम लोग मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना। और गाइस आज मैं जा रहा हूँ कैमरा बाज़ार कोलकाता, वहाँ पर जाके मैं अपना माइक लूँगा, उसे मैं तुम लोगों को टेस्ट भी करके दिखाऊंगा कि कैसा है साउंड क्वालिटी। और गाइस ये वाला जो माइक है ना, ये वाला माइक पूरा नॉइस कैंसिलेशन जो है ना, ये एकदम पूरा साउंड नहीं रोकता है, बाइक जो भी आवाज़ होती है पब्लिक प्लेस पर कुछ कुछ रोक देता है। अगर आप सामने से ब्लॉगिंग करते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है, तो तुम लोग इस माइक की तरफ जा सकते हो। और अगर आप लोग दूर से वीडियो करते हो तो उसके लिए बोया बाई M1 बेस्ट है। तो तुम लोग ये वीडियो देखते रहो, मैं तुम लोगों को दोनों माइक ही दिखाऊंगा रिव्यू करके। सो जो भी हो लेट्स गो। गाइस अभी हम लोग भैया के दुकान पर आ चुके और यहाँ से हम लोग लेने वाले बोया बाई M1। सो भैया ला के रखे और यहाँ पर भी बहुत सारे माइक से जो भी मैं दिखाऊंगा, बट पहले अपना जो माइक है उसे लेते हैं, उसके बाद ही मैं दिखाऊंगा। ये है बोया M1 जो कि इतना फेमस माइक है, देख सकते हो। सो गाइस हम लोग कैमरा बाजार कोलकाता के दुकान पे आ चुके हैं, यहाँ पर है दुकान। और गाइस हम लोग यहाँ से बोया जो M1 जो माइक लेने वाला था, मैं कहा था वो माइक मैं नहीं ले रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ बोया बाई M1 जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ थोड़ा सा। हाँ ये वाला बॉक्स है और माइक जो है वो है ये वाला। गाइस जो जो मिला है इस माइक के साथ मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप लोग देखो। ओके सो गाइस फर्स्ट में ये वाला बॉक्स मिला है जो कि हम लोगों ने अनबॉक्सिंग कर लिया है। फर्स्ट में इस बैग में मिलेगा आपको ये वाला जो माइक है, और यहाँ पर देख सकते हो ये वाला जो जैग है, और इसके साथ एक एक्स्ट्रा भी मिलता है देख सकते हो। और
और ये वाला मिला जो कि हम लोग ट्राईपॉड के ऊपर लगा सकते हैं, आई मीन इसके ऊपर हम लोग इसे सेट कर देंगे, उसके बाद ये वाला जो माइक है इसे हम लोग सेट करेंगे। सो जो भी हो मैं अभी तुम लोगों को सेट करके पूरा एकदम सेटअप दिखाता हूँ। तो गाइस यहाँ पर हम लोग अभी इसे सेटअप कर रहे हैं ट्राईपॉड के ऊपर, ऐसे सेटअप करते हैं एंड उसके बाद यहाँ पर जो मोबाइल है उसे लगाऊंगा एंड देन सो उसके बाद यहाँ पर जो आप लोग देख रहे हो इसे हम लोग इसके अंदर करके ये वाला जो चीज़ है इसको हम लोग थोड़ा सा टाइट कर देंगे एंड उसके बाद ये वाला जैक यहाँ पर लगाना पड़ेगा और देन उसके बाद यहाँ से इसको ऐसे करना पड़ेगा और ये वाला है सेटअप तैयार, जिसका मैं वीडियो में तुम लोगों को आगे जाके दिखाऊंगा जब मैं शूज़ का वीडियो उस तरफ करने जाऊँगा। सो गाइस इस वाले माइक का मुझे प्राइस पड़ा 850 रुपीज़ एंड तुम भैया के यहाँ पर आ सकते हो एंड यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो बहुत सारे माइक्स यहाँ पर कैमरा जो कि मैंने आपको बहुत सारी वीडियोज़ में दिखाया है, वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख लो एंड यहाँ पर देख सकते हो ये वाला क्या लाइट फ्लैश गन है ये वाला। हाँ फ्लैश गन उसका हीरो 8 अवेलेबल है। हाँ एसडीकेएम 4 ईयर अवेलेबल है। गोप्रो तुम्हें कोई हेडफोन चार्जर सब कुछ मिलेगा और कैमरा तो यहाँ पर मिलता है, ये कैमरा के लिए अगर आते हो तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर देख सकते हो कलेक्शन में है, मैं और नहीं दिखा रहा बिकॉज मैंने ऑलरेडी आज एक वीडियो पोस्ट किया है इसी दुकान के ऊपर सो देख सकते हो। और अगर तुम लोग माइक लेना चाहते हो तो यहाँ पर देख सकते हो, ये वाला मैं स्टार्टिंग में लेने वाला था बोया बाई M1 बट ये मुझे उतना लुक्स के मामले में पसंद नहीं आया जितना मुझे ये वाला आया। और देख सकते हो यार यहाँ पर अगर मैं वायर वाला माइक लेता हूँ तो यहाँ पर लगा रहेगा और ये वाला लूँगा तो बहुत अच्छा सेम चीज़ रहेगा, नॉइस कैंसिलेशन बहुत अच्छा है। और जो भी हो ये वाला बॉक्स है इसका और ये वाला बॉक्स है इसका, अगर तुम ये भी लेते हो तो बहुत अच्छा है अगर तुम यूट्यूबिंग करते हो यूट्यूबर्स हो देख सकते हो। और इसका प्राइस कैसा रहेगा ये वाला बोया M1DM इसका डबल है, डबल माइक है। हाँ सिंगल वायर से मतलब 2-in-1 इसमें। अच्छा इसका दाम पड़ेगा आपका 1200 रुपया, इसका दाम पड़ेगा ओनली 1200 रुपया। और जो हम लोग स्टार्टिंग में ले रहे थे वो वाला यहाँ पर है, जो स्टार्टिंग में ले रहा था ये वाला ये MM1 बोया बाई M1 ये वाला, ये सिंगल माइक है। ये वाला गाइस सिंगल माइक है जैसे कि देख सकते हो और ये मैं स्टार्टिंग में लेने वाला था बट मैंने प्लान किया कि ये वाला माइक बाद में लूँगा। और देख सकते हो यहाँ पर कैमरा मोड जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ, कैमरा मोड और स्मार्टफोन मोड है जैसे कि तुम लोग देख सकते हो। कैमरा मोड से अगर करते हो तो अगर तुम DSLR से वीडियो शूट करते हो तो इसे ऑन कर लेना और स्मार्टफोन से करते हो तो इसे ऑन कर लेना। और देख सकते हो ये वाला जो ये बहुत लंबा इसका जो वायर है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है ऐसे देख सकते हो। कितना मीटर तक होगा ये वाला? कम से कम 8 मीटर, 8 मीटर तक होगा तो हाँ अगर तुम घर में वीडियो बनाते हो तो बहुत अच्छी बात है ये इस वाला माइक। और भी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आप आ सकते हो, मैं दुकान दिखा रहा हूँ। यहाँ पर फ़ोन नंबर देख सकते हो, ये रहा हमारा न्यू सेटअप। ओके सो गाइस अभी जो तुम्हें साउंड सुन रहे हो इसमें है बोया MM1 माइक और यहाँ पर बहुत ज़्यादा साउंड हो रहा है इसलिए मैं टेस्ट कर रहा हूँ कि नॉइस कैंसिलेशन इसमें कितना अच्छा है और देखते हैं कैसा होता है माइक। तो लेट्स गो देखते हैं क्या और तुम लोगों को कैसा साउंड आ रहा है तुम लोग मुझे प्लीज़ कमेंट में बताना बिकॉज यहाँ पर बहुत ज़्यादा आसपास में साउंड हो रहा है और देख सकते हो से जो जहाँ पर पब्लिक बहुत ज़्यादा होंगे ना वहाँ पर जाके मैं एक काम करूँगा वहाँ पर जाके भी कुछ शॉट लूँगा और वहाँ पर देखते हैं नॉइस कैंसिलेशन कितना ज़्यादा अच्छी तरीके से काम करता है। सो लेट्स गो। और गाइस जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे एकदम पब्लिक है सो इसके अंदर हम अपने कैमरा का जो माइक है उसे टेस्ट कर रहे हैं। सो यहाँ पर देख सकते हो गाड़ी वाड़ी की आवाज़ हो रही है बट आपको मेरा साउंड जितना हो सके उतना क्लियर सुनाई दे रहा है देख सकते हो। और अभी हम लोग न्यू मार्केट के इस तरफ में देख सकते हो यहाँ पर सो आज के लिए ये था एक छोटा सा ब्लॉग। सो आई होप तुम लोगों को वीडियो पसंद आया होगा एंड वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना
बहुत लोग कंप्लेन कर रहे थे कि भाई साउंड ठीक करो, साउंड ठीक करो, तो अब से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तुम्हें, बिकॉज मैंने माइक ले लिया है ये वाला। और अगर आप लोग लेना चाहते हो तो आप लोग कैमरा बाजार कोलकाता में आ सकते हो, जिसका नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया है। सो जो भी हो, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे किसी न्यू कॉन्टेंट के साथ, तब तक के लिए बाय।